ओम शांति। परदादी सुनाती थी सभी के एक नाम दो नाम, पर मेरे तो शरीर के ऊपर तीन नाम पड़े, क्योंकि मैंने पहले भी सुनाया कि जन्म पत्री में परदादी सुनाती कि नाम था पार्वती। पार्वती लंबा नाम लगता था तो बाबा उनको प्यार से पालू पुट कहते थे और पाली भी कहते थे, क्योंकि सिंध हैदराबाद में आम जो आता था वो बहुत मीठा आम पाली आम करके उसको सभी बिक्री करते थे। और तीसरा नाम था पिरले। अब पिरले की मैं कहानी सुनाती हूँ जो परदादी सुनाया करती थी कि एक बार बाबा हम सभी बच्चों को क्लिप्टन पर ले गया और क्लिप्टन पर बाबा वहाँ मुरली भी सुनाते थे और योग भी कराते थे। उस समय योग शब्द भी नहीं था, निष्ठा शब्द था। तो जब निष्ठा कराते थे बाबा और एक एक बच्चे को दृष्टि देते थे तो उस समय कई बहनें ट्रांस में चली जाती थी। तो उस समय क्लिप्टन पर एक बहन, माना वो शांतामणि दादी की बड़ी बहन जो थी, वो ट्रांस में चली गई। अब ट्रांस में जाने के बाद वो क्या देखती है कि परदादी की तरफ जब उसकी नज़र जाती है तो वो देखती है कि परदादी की आंखों से बहुत पिरले हो रही है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है ट्रांस में। तो बाबा ने कहा, बच्ची क्या हुआ? तो बाबा को उन्होंने कहा कि बाबा इसको साइड करो, इसको हटाओ, इसकी आंख से पिरले हो रही है। सागर का कंठा था क्लिप्टन, सारा समुद्र सागर सूख रहा, इस प्रकार वो ट्रांस में अनुभव कर रही थी, देख रही थी नीचे का। तो उस समय परदादी सुनाती कि मेरा नाम बाबा ने पिरले रख दिया। इस प्रकार तीन नाम हुए और चौथा नाम अविक्ति नाम रखा, निर्मल शांता। ओम शांति।